घर के पास टहल रही इंजीनियरिंग छात्रा से छेड़छाड़ कर अगवा किए जाने का प्रयास सफल हो गया। छात्रा के शोर मचाने जाने से मदद के लिए दौड़े नागरिकों ने एक अपराधी की पकड़ कर धुनाई कर दी। यह वारदात रविवार की रात सेंट्रल एवेन्यू के गांधी पुतला चौक के पास हुई। गिरफ्तार आरोपी लालू जगदम्ब प्रसाद यादव येरला कलमेश्वर है। 22 वर्षीय युवती इंजीनियरिंग की छात्रा है। वह रात 10:30 बजे भोजन करने के बाद घर के पास टहल रही थी। उसी वक्त लालू अपनी 3 अन्य साथियों के साथ वहां आया। वह छात्रा के पीछे पीछे कार चलाने लगे। रात का वक्त होने से परिसर में अधिक चहल पहल नहीं थी। आरोपी की हलचल देखकर छात्रा को संदेह हुआ। वह सतर्क होकर कार को देखने लगी। इस बीच लालू कार से उतरकर छात्रा के करीब जाने लगा। उसके द्वारा अगवा किए जाने का खतरा भांपकर छात्रा शोर मचाने लगी। उसी वक्त करीब से गुजर रहा अंकित हरिदास छात्रा की मदद के लिए दौड़ा। उसने लोगों की मदद से लालू को दबोच लिया। यह देखकर कार में सवार लालू के साथी फरार हो गए। लोगों ने लालू की जमकर धुनाई कर दी। सूचना मिलने पर तहसील पुलिस पहुंच गई। उसने लालू को हिरासत में ले लिया। तत्काल मदद किए जाने से एक बड़ी वारदात टल गई। काल रात्री 22 वाजताच्या सुमारास, रात्री 10:30 वाजताच्या सुमारास आपल्या सी ए रोडवर गांधी पुतला चौक आहे त्या भागातील इतवारी गल्लीतील एक 22 वर्षाची कॉलेजची मुलगी जेवण झाल्यामुळे नेहमीसारखी सत्पावली करण्याकरता वॉकिंग करत होती। तेवढ्यात एका स्विफ्ट कारमध्ये, ज्याचा नंबर MH40AR8022 आहे, त्या कारमध्ये 4 मुलं होते। त्या मुलांच्यापैकी एकाने कारचा काच खाली करून त्यांच्याशी लज्जास्पद बोलले। त्यानंतर ती मुलगी ओरडल्याने तिथेच एक अंकित राजेश हरिदास वय 22 वर्ष हे त्या भागातून जात होते ते धावले आणि आरडाओरडा केला। त्याच वेळेस गस्तीवर असलेले आमचे पोलीससुद्धा तिथे होते। त्याच्यामुळे त्यांनी पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले आणि एक मोठा गुन्हा सतर्कतेमुळे टळलेला आहे। आरोपी लालू जगदंबा प्रसाद यादव व 31 वर्ष राहणार केरला पोलीस स्टेशन कडमेश्वर याच्याविरुद्ध पोलीस स्टेशनला 509 भादवी अन्वय गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे आणि इतर त्यामध्ये 3 आरोपी आहेत। ते लवकरच आम्ही अटक करू, तपास सुरू आहे। लालू और उसके साथी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। वे अगवा किए जाने के प्रयास से इनकार कर रहे हैं। लालू का कहना है कि वह लघु शंका के लिए कार से उतरा था। उसके साथियों की खोज में तहसील पुलिस ने कलमेश्वर सहित कई स्थानों पर दबिश दी है। घटनास्थल घना रिहायशी परिसर है। वहां कोई बाहरी व्यक्ति इस तरह की वारदात को अंजाम नहीं दे सकता है। परिसर के नागरिक भी चिंतित है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ अभिषेक पांसे, BCN News नागपुर।